शांति मैसेज नंबर 15, और द डेट इज ट्वेंटी सेकेंड जानुरी नाइनटीन सिक्सटी नाइन और दोक मैसेज वॉज इन द आफ्टरनून भाया दादी गुलजार बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओ रूपी सागर में हिलेंगे नहीं दोपहर भोग के समय वतन का समाचार आज वतन में गई तो ब्रह्मा बाबा जैसे यहाँ मुलाकात करते थे वैसे वहां बाबा ने मुलाकात की बाबा ने कहा बच्चों के भोजन के समय के अनुसार लेट आई हो बाबा ने दादी को कहा दादी गुजार को कि थोड़ा लेट आई हो तो दादी ने कहा बाबा आपका तो एक डेढ़ बजे भोजन पान करने का समय था बाबा ने कहा बाबा जब बच्चों के साथ भोजन खाता था तो बच्चों के टाइम टाइम भोजन खाता था। उस से लेट आई हो फिर बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा कि ले जाओ क्या जाकर देखा कि जैसे यहाँ ऑफिस में कुर्सी चेयर पर बाबा आकर बैठता था पत्र लिखता था तो वही कुर्सी वही पेड वही पेंसिल रखी थी मैं तो हैरान हुई कि यह सभी चीजें वतन में कैसे आ गई फिर बाबा ने हस्त लिखित पत्र मेरे को दिया मैंने पढ़ा दादी गुलजार ने पढ़ा उसमें लिखा हुआ था स्वदर्शन चक्रधारी नूरे रत्नों याद प्यार के बाद आज अव्यक्त रूप से आप अव्यक्त स्थिति में स्थित हुए बच्चों से मिल रहे हैं दूसरे पेज में लिखा था बच्चे जो बाप दादा के साकार रूप से शिक्षाएं मिली है उसका विस्तार करते रहना अब न बिसरो न याद रहो विदाई के बाद, बाद बाबा आज जैसे सही सिग्नेचर डालते हैं वैसे ही डाली हुई थी बाबा ने कहा हमने अपने समय पर पत्र भी लिखा फिर भोजन के लिए इंतजार कर रहे थे फिर तो भोजन खिलाया बाबा ने कहा भले वतन में चीज़ें खाते हैं लेकिन यज्ञ के भोजन की रचना बहुत अच्छी है फिर बाबा ने भोजन स्वीकार किया जब हम आ रही थी जब दादी आ रही थी तो बाबा ने एक दृश्य दिखाया एक सागर था जिसमें बहुत तेज लहरें वेव्स चल रही थी बाबा ने कहा आप इस सागर के बीच में जाओ तो दादी घबराने लगी कि इतनी तेज लहरों में कैसे जाऊंगी? फिर बाबा की आज्ञा प्रमाण पाँव डाला जहाँ पाँव डाला रखा वहाँ की लहर शांत हो गई फिर देखा कि बाप दादा दोनों ने छोटी छोटी नावें उस सागर के बीच में डाली लेकिन कोई नाव तो सागर की लहर आने से गायब हो गई, कोई तो लहर से इधर उधर होती रही और कोई तो जैसी थी वैसे ही रही हम यह देखने में ही बिजी हो गई, फिर वह सीन खत्म हो गई। बाप दादा ने कहा कि यह खेल बाप ने प्रैक्टिकल में रचा है जिन बच्चों की जीवन रूपी नया बाप के साथ में होंगी वह हिलेंगी नहीं अभी तुम परीक्षाओं रूपी सागर के बीच में चल रही हो तो जितना कनेक्शन अर्थात जिनका हाथ बाप दादा के हाथ में होगा उनकी यह जीवन रूपी नैया न हिलेंगी न डुपेंगी तुम बच्चे इसको ड्रामा का खेल समझकर चलेंगे तो डगमग नहीं होंगे और जिनका बुद्धि रूपी हाथ साथ ढीला होगा वह डोलते रहेंगे इसलिए बच्चों को बुद्धि रूपी हाथ मजबूत रखने का खास ध्यान रखना है अच्छा ओम शांति